हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ सिप्रा। मैं आज करूँगी फेशियल। यस, करूँगी फेशियल। और मैं कर रही हूँ डर्माडॉक की फेशियल, जो कि है डार्क स्पॉट रिड्यूशन फेशियल किट। तो यस, मैं ये वाला फेशियल करूँगी। और डर्माडॉक की बहुत सारे फेशियल अवेलेबल है purple.com पे। आई थिंक डर्माडॉक की जितने भी प्रोडक्ट है सिर्फ purple.com पे ही अवेलेबल है। तो अगर आप फेशियल करना चाहते हैं तो चेक कर ले कौन सा आपका फेस पे ज़रूरी है, तो वो वाला फेशियल आप यूज कर सकते हैं। और मैंने जो मंगवाए हैं वो डार्क स्पॉट रिड्यूशन फेशियल किट है। और ये जो फेशियल है डार्क स्पॉट रिड्यूशन फेशियल किट विथ नेशनामाइट एंड सोडियम एस्क्लोरबिक एसिड। और इसका जो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है वो है पैराबिन फ्री है, क्लोरिटी फ्री है और सल्फर फ्री है। और ये आपका स्किन का डार्क स्पॉट रिड्यूस करने के साथ साथ आपका हाइपर पिगमेंटेशन को उसको सही करता है, और अनइवन टोन है तो उसको भी सही करेगा ये वाला फेशियल किट। और प्रोडक्ट का क्वांटिटी जो है वो है 36 ग्राम, जो कि आपको हर स्टेप में 666 ग्राम करके प्रोडक्ट है। सिर्फ पैक जो है उसमें आपको 12 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी है। जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट का वो है 12 ग्राम, और बाकी में हर कुछ में 66 ग्राम करके है। तो टोटल 36 ग्राम क्वांटिटी है इसमें। और इसको मैंने purple.com से ही परचेज किए हैं। और आप लोगों के साथ मैं पर्पल हॉल वीडियो भी शेयर करूंगी 2020 का, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक थम्स अप तो ज़रूर कीजिएगा, मतलब दीजिएगा। और इसका जो प्राइस है वो है 155 रुपीज़, और मैंने purple.com पे डिस्काउंट पे लिया जो कि है 101 रुपीज़ में। और इसका सेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स, और इसका जो सेल्फ लाइफ है वो जो है 3 ईयर्स। और ये जो प्रोडक्ट पैक हुआ है वो है 2019 अक्टूबर को, डेट नहीं मेंशन किया हुआ है, बट अक्टूबर 2019 में ये पैकेजिंग हुआ है। और इसको कैसे कैसे यूज करना है वो भी स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। और इसमें 5 स्टेप फेशियल किट है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है क्लींजर, सेकेंड स्क्रबर, थर्ड टोनर, फोर्थ क्रीम जो कि है मसाज क्रीम, फिफ्थ है पिल ऑफ मार्क्स। यस, पिल ऑफ मार्क्स है, सिर्फ मार्क्स नहीं या फिर पैक नहीं है, ये पिल ऑफ मार्क्स है जिसको पिल करके रिमूव करना है। तो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊंगी कैसे क्या करना है। और सबसे पहले जो क्लींजर है वो है 5 to 3 मिनट अप्लाई करना, देन उसको मसाज देना है। और अगर सेंसिटिव स्किन है तो इसको 2 to 3 टाइम यूज़ करें, मतलब 3 मिनट यूज़ करें। जैसे कि मेरा सेंसिटिव स्किन है तो मैं कम टाइम ही यूज़ करूँगी। और स्क्रबर जो है उसको 3 to 5 मिनट करें, तो मैं उसी की तरह यूज करूँगी। और टोनर जो है उसको 2 to 3 मिनट, और क्रीम जो है उसको, सॉरी मसाज क्रीम जो है उसको आपको 12 से 15 मिनट अप्लाई करना है, एंड मसाज देना अच्छे से फेस को, जैसे कि मसाज देना चाहिए उस तरह से। तो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को। और भी अच्छे से डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप लोग ज़रूर चेक करना वो वाला वीडियो, ताकि बहुत ही हेल्प होगा आप लोगों के लिए। और मार्क्स जो है उसको 20 मिनट अप्लाई करना है, जब तक ना आपका ड्राई हो जाए तब तक आप उसको अप्लाई करके रखिए। 20 से 15 मिनट से लेकर आप 25 मिनट तक अप्लाई कर सकते हैं मार्क्स को। तो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी, दिखाऊंगी कैसे आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए अब फेशियल करते हैं। और जितना भी कुछ मेंशन किया हुआ है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं मैंने। और हाँ, मैं एक हॉल वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, पर्पल हॉल वीडियो। तो उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत हेल्प हो सकता है वो वाला वीडियो से आप लोगों को भी। तो ज़रूर देखिएगा वो वाला वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेकअप मैंने रिमूव कर लिए है, और हेयर को भी सिक्योर कर लिए है। और मेकअप रिमूव करने के बाद मैंने फेस को वॉश भी कर लिए फेस वॉश के से, उसके बाद ही मैं अप्लाई करूँगी यानी कि फेशियल करूँगी। तो इसको खोलने के बाद देख सकते हैं 5 पाउच में है। और जो सबसे पहला पाउच है वो है क्लींजर, जो कि क्लीन करने के लिए है फेस को। तो उसको कट करके मैंने हैंड पे ले लेंगे, और पूरे फेस पे मसाज देंगे 2 to 3 मिनट्स। और इसमें 3 to 5 मिनट मसाज देने के लिए है, लेकिन मेरा स्किन जो है सेंसिटिव है तो मैं 2 to 3 मिनट्स मसाज दूंगी, मैंने आप लोगों को पहले भी बताए हुए हैं। मसाज कंप्लीट होने के बाद मैं एक हैंकी टावल के से, और डैम हैंकी टावल जो है गीला है तो उसके से मैं क्लीन कर ले रही हूँ इसको।
और उसके बाद जो है मेरा फेस जो बहुत ही अच्छा स्मूद एंड क्लीन क्लीन लग रहा था, उसके बाद करेंगे सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप जो है वो है स्क्रब। स्क्रब करने के लिए भी सेम फेस पे, अब फेस को ड्राई नहीं करना है, बस गीला फेस पे ही अप्लाई करना है इसको। और स्क्रब में जो भी पार्टिकल्स है बहुत छोटे छोटे और बहुत ज़्यादा स्मूथ है, जो कि आपके स्किन के मुझे नहीं लगता ज़्यादा अच्छे से एक्सफोलिएट कर पाएगा, और सेंसिटिव स्किन के लिए सही है क्योंकि कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा इस स्क्रब से। तो इस स्क्रब सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, और जिनका ज़्यादा ड्राई स्किन है तो उनको तो उतना अच्छा नहीं काम करेगा उसके स्किन पे। तो मैं इसको भी अच्छे से रिमूव कर ले रही हूँ हैंकी तावल गेल से, या थोड़ा सा मैं इंजॉय भी कर लेती हूँ ना। अब अप्लाई करेंगे स्टेप थ्री। स्टेप थ्री है टोनर, तो टोनर को भी हैंड पे लेंगे और फेस पे मसाज करेंगे। इसको भी 3 to 5 मिनट्स मसाज देना है इसको भी, तो इसको भी अप्लाई करेंगे और देन जेंटली मसाज देंगे। ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे कि आप फेस वॉश करते हैं उसी तरह से मसाज देंगे, जैसे क्लीन होता है उसी तरह से। और टोनर अप्लाई करने के बाद जितना टोनर एक्सेस टोनर रहेगा उसको कॉटन केल से रिमूव कर लेना है, और आपको फेस पे उस तरह से छोड़ना नहीं है। तो मैं कॉटन केल से इसको क्लीन कर ले रही हूँ, और इसमें हर कुछ अच्छे से मेंशन किया हुआ कि आप घर पे अच्छे से फेशियल कर सकते हैं। तो इसके लिए पार्लर जाने के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं, घर पे 100 में ही आपका फेशियल हो जाएगा। अब करेंगे फोर्थ जो है वो है मसाज। मसाज क्रीम है, और मसाज क्रीम जो बहुत ज़्यादा चिपचिपा है, तो वही मैं दिखा रही थी आप लोगों को। तो इससे मैं मसाज कर ले रही हूँ, और मसाज का मेरा सेपरेट वीडियो है, मैं नीचे लिंक दे दूँगी, आप लोग चेक ज़रूर कीजिएगा। उससे बहुत ज़्यादा ही हेल्प होगा आप लोगों को अगर मसाज देना नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से नहीं दिखा रही, बस थोड़ा दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, और वो वाला वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा। और जो भी स्टेप मैं फॉलो कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, 3 to 5 बार मतलब टाइम ही यूज मतलब फॉलो कर रही हूँ। अब इसको भी रिमूव करेंगे कॉटन पैड की हेल्प से, और मेरा हैंड देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है। तो मैंने रिमूव कर लिया, और मसाज देने के बाद फेस जो है ग्लो एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा, तो मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी। अब करेंगे 5 स्टेप जो है वो है पिल अप मास्क। तो मास्क को अप्लाई करेंगे, और मास्क जो है फेविकोल ग्लू की तरह है, और मैं फेविकोल ग्लू बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ DIY सामान बनाने में, तो मुझे एकदम फेविकोल वाला फील आ रहा था जब फेविकोल अप्लाई कर रहे हैं तरह से। तो मैंने अप्लाई कर लिए है, और मिलती हूँ आप लोगों के साथ आफ्टर 20 मिनट बाद। तो ड्राई हो चुका है, अब मैं इसको रिमूव करूँगा। नोज़ जो है मेरा गीला है क्योंकि नोज़ से बहुत ज़्यादा पसीना आता है इसी वजह से, और मैंने नेक पे अप्लाई करके गलती कर दिए थे क्योंकि नेक बहुत ज़्यादा चिपक गया लग रहा है। तो मैं अब इसको रिमूव कर लिया, रिमूव करने के टाइम में हो नहीं रहा था, तो मैं मिरर में देख के थोड़ा सा निकाल लिया। तो उसके बाद मैं फिर से कैमरा के पास आके रिमूव कर रही हूँ। रिमूव करने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, और मेरा चिक्स के अराउंड जो है वहाँ पर रेड हो जाता है दोनों चिक्स के पास जो है रेड हो जाता है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे वीडियो और में। इसको रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और ज़्यादा थिक से लगाना चाहिए था शायद, मुझे लग रहा था ऐसा, क्योंकि मैं पूरा नहीं अप्लाई किए थे। देख सकते हैं मेरा चिक्स रेड हो गया है, तो बस दोनों चिक्स के पास ही रेड होता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा स्किन जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है इसी वजह से हो सकता है। तो मैं दिखा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पेन हो रहा था, रोना आ रहा था इसको रिमूव करने में। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे कुछ भी नया देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं 100% आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कोई भी चीज़ का रिव्यू भी देखना तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हैं मैंने इसी तरह से पूरे फेस पे रिमूव करती हूँ, और इस साइड भी मेरा रेड हो चुका है, मैं दिखा रही हूँ इतना तो रेड हो चुका है। और मैं उसके बाद मैं गीला हैंकी तावल के हेल्प से ही रिमूव कर लेती हूँ क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था इसी वजह से। फेशियल करने के बाद मेरी स्किन जो एकदम स्मूथ हो जाता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, रेडनेस भी ख़त्म हो जाता है। और फेशियल कंप्लीट होने के 2 दिन बाद आपका स्किन जो बहुत ही अच्छा शाइन एंड ग्लो आता है फेस पे, और मेरा इसका रिजल्ट जो है एकदम बेस्ट है। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू।